भगवान कृष्ण को रोज भोग लगाने के लिए गोपियों भोजन बना बना करके जहाँ रहते वहां लेकर जाने लगी। जब देखे कि भगवान कृष्ण अब गोपी हमारे प्रकृति प्रभावित हैं, उन लोगों को दृष्ट दिए, दृष्ट में क्या दिखाई दिया कि जमुना उस पार कोई बड़ा संत है और बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। गोपी भगवान कृष्ण से पूछी, ये बताइए प्रभु की जो संत जी बैठे हैं उनका दर्शन कैसे होगा, इनका दर्शन कब होता है, क्या वह खाते हैं, उस पर कोई नगरी भी दिखाई नहीं देती। बोलिए प्रेम से पास संत समाज की। भगवान कृष्ण बताए कि देखिए साधु महात्माओं की रीत जो है बड़ी उल्टी होती है। वह आज 12 वर्ष हो गया न तो अन्न खाए न तो पानी पिए, उसी तरह बैठ करके तपस्या कर रहे। गोपी बोली कि हे प्रभु उनका दर्शन हमको करना चाहते हैं। कहा देखिए ये जमुना बड़ी तेजी से जल से मगन है, शांति आओ पार जाने के लिए कोई उपाय तुम लोगों के पास है। गोपी बोली कि न तो यहाँ नौका है न तो हम लोग के पास कोई ऐसा यस्त्र शस्त्र है कि जल से पार हो जाए। भगवान कृष्ण बताए कि एक यस्त्र हमारे पास है, अगर उसको आप लोग अपने आएंगे तो सीधी किसी का दर्शन हो जाएगा। गोपी बोली कि बताइए क्या है, तो दया को जानते भगवान कृष्ण रहने पर सारी चीज कभी अन्न न खाए हो, कभी पानी न पिए हो, 12 वर्ष से भूखे तपस्या करते हो, तो जमुना तुम शीतल हो जाओ। सब गोपी हाथ जोड़ करके नमन करते हुए बोली जमुना जी से बड़े प्रेम का बड़े प्रेम से गोपी बोली की है जमुना महारानी, दुर्वासा ऋषि कभी अन्न जल न ग्रहण किए हो, 12 वर्ष से जमुना उस पार तपस्या करते हैं,
सीकर हो जाइए। यमुना का बहता हुआ जल सीकर हो गया, काशी की धरती से ला दिया। शांति शांति बोलिए प्रेम से पार यमुना महारानी की, वो पार चढ़ गई, वो पार जाके और थाली का प्रसाद रखने लगली और दुर्गा सारी सी खाए लगना कुछ हुआ। जब दुर्गाधार जी खाए लगना तो सब गोपी हंसा लगने की, देखा भगवान कन्हैया कहना की 12 बरिस से तपस्या कैले, अयन जल ग्रहण ना कैले हुआ, आई जब हमार प्रसाद रखनी जाती है तना देख था हमारा की कुछ पचवैया में ना देखा था। अब जब गोपी हंसते नहीं तो जमुना जी बड़ा तेज फफाए के और दोनों करार जल से मगन हो गए रे, उबरा की धरती से की हंसा का दाह हो गए। अब फिर जंगल तेजी में आकर माननीय काशी अभी महेश यादव जी सब गोपी जाके साधु जी के चारों तरफ घेर रहे थे। शास्त्र बतावे ला उठी बदरिया पाप का बरस रहा अहंकार, संत जो न होते हमारे घर चराहा है संसार, संत पूजा आत्मा दर्शन ही बन के हो दृश्य वे राशि अखिलेश मगन हो जाते। रमेश सिंह यादव के साथ साथ बड़े प्रेम और श्रद्धा से ऋषि वंशदेव पहलवान गोपियों ने अर्जी भगवान की घटलों को गर्भ चुके पूजा समिति जिससे हम लोग ऋषि जी बताए सारी गोपी जमुना से नमन करो, सारी गोपी जमुना से नमन करो, भगवान कृष्ण जय भगवान कृष्ण घोषित परम आदरणीय रमेश यादव जी भगवान भाई देते हैं। गोपिन से ऋषि जी बता रहे हैं कि हर गोपी तो जैसे बीच में एक कृष्ण है, तुम लोग ये कहो कि भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, अगर नारी से उनसे छुआई ना हो तो तू जमुना सुखा जा। गोपी सब ताली बजा के हंसने लगे, बोले सब गोपी करी की देखा रोज हमार के साथ बंसी बजावे ना, हमार के एक एक के बीच में का कन्हैया देखा था कैसे बात हम कहा जाए। ऋषि जी कहा देरी कर पूजा करना दे पूजा जमुना पूना पर तीना हो जाए। ओम प्रकाश यादव की धरती से तब गोपी लोग हाथ जोड़ के जमुना से कहानी की हे जमुना महारानी, पूजा समिति आपका हाथ स्वागत करती है, हे जमुना महारानी भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी किसी स्त्री से उनके छुआई न हो तो तू शीतल हो जाए। जमुना जी सुखा गई, जमुना जी सुखा गई, सब गोपी एक बार चल रही। जब यहाँ आई रात रखा लगली लेकिन क्रोध में आई कि तू ऐसे जगह मन के भेजला तो कुशल लू जा तो कला की राजेंद्र यादव कुमार के घर से वहां के पूजा सुनता वहां के लेके सब अपना प्रसन्न होता हूं। भगवान कृष्ण से जब गोपी चले लगली बच्ची जी कहना कि शरीर के जो बचल प्रसाद हुई भगवान के पूरे यज्ञ में लीप कह दिया जाए। वहां गई जब रखनी तो पूरा प्रात भरल सब भरल का के उठा के और भगवान के कृष्ण के शरीर पर लीप कर लगी, पूरी शरीर जब लीपते ली अब बचन प्रसाद आपस में खाई पूजा भगवान
अपने अंतिम समापन की ओर जा रहा है। आए हुए दर्शक बहुत बहुत जरूर है, कृपया थोड़े ही समय के बाद में हमारे कार्यकर्ता आपके प्रसाद पहुंचाएंगे, हम मंच की तरफ चलेंगे।
कार्तिक महीना अजूर पक्ष आज तिथि हुई नक्षत्र योग करने के प्रकृति में ये अजूर पक्ष के प्रभाव में हल्की बदली आ जाके रह जाता अगहन महीना पक्ष के प्रभावित पावन में बदली कहीं कहीं दिखा के चाहिए अगहन महीना प्रक्रिया प्रविधान के प्रविधान पर आधे पर अगहन महीना जोर पक्ष आधे पर हल्की बारिश कई कई से हो जाए पुष महीना अनहार पर छाई चले पुष महीना जोर पक्ष आधे पर बारिश हुई बारिश के साथ में बावक रही हल्का जगह जगह से रोड़ी रोड़ा हो जाए बदरी बुन्नी पावक सर्दी का प्रक्रिया प्रावधान बन जाए माघ महीना नहर पक्ष पुस्तक बड़ा तेजी से रही देश में क्षति हुई माघ महीना अजूर पक्ष आवत हम जात माघ महीना अजूर पक्ष मुख्य अतिथि राम बिहारी यादव जी आप लोग बाबा जी से आकर के प्रसाद ले लें राम बिहारी यादव जी पूर्व विधायक रमेश दुबे जी माननीय जी अध्यक्ष यादव जी Yeah!
मिठाई अच्छा प्रसाद आप लोग सभी लोग